बच्चों ये क्वेश्चन देखें। द इनसाइड मेजरमेंट ऑफ ए कार्डबोर्ड बॉक्स आर वन एज ए होल 1/2 मीटर बाय 3/4 मीटर बाय 60 सेंटीमीटर, हाउ मेनी बुक्स 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर ईच कैन बी अरेंज्ड इन द बॉक्स। अब देखिए यहाँ पर कार्डबोर्ड बॉक्स का मेजरमेंट दिया हुआ है मीटर में भी और सेंटीमीटर में भी। इसको पहले एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 as a whole 1/2 मीटर। इसको अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलें तो 2 1 2 + 1 कितना हुआ 3/2। अगर ये मीटर है इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 150 सेंटीमीटर। ये लेंथ निकल गया, कार्डबोर्ड का विड्थ निकाल अब देख लेते हैं। विड्थ को बदल देते हैं, विड्थ ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 3/4 मीटर। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा कितना 75 सेंटीमीटर, और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है ही। आपका हाइट जो है ये ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 60 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू ये हो गया 150 × 75 × 60 सेंटीमीटर क्यूब। इसको ऐसे ही रहने दें, प्रोडक्ट ना निकालें, बाद में कैंसिलेशन में सुविधा होगी। अब देखिए एक बुक का डायमेंशन दिया हुआ है, एक बुक का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन बुक इज इक्वल टू ये हो गया 20 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 7.5 सेंटीमीटर। अब ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए अगर एक बुक का वॉल्यूम से अगर टोटल बॉक्स के वॉल्यूम में डिवाइड कर दें तो हमको कितना नंबर ऑफ बुक्स उसमें आएगा ये हमको पता चल जाएगा। देयरफोर नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 150 × 75 × 60 / 20 × 10 × 7.5। ये देखिए ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है और ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब जो निकलेगा वो नंबर ऑफ बुक्स होगा। अब यहाँ पर देखिए अगर इसका डेसिमल हम कैंसिल करें तो 10 अगर यहाँ बढ़ा दें तो ये डेसिमल कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स 10 टाइम्स, 10 से ये 10 कैंसिल, 20 से ये कितना कैंसिल 3 टाइम्स कैंसिल, हाँ या ना। तो ये कितना हो जाएगा 150 × 3 दैट इज 450 बुक्स कैन बी अरेंज्ड इन दैट कार्डबोर्ड बॉक्स। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।